आने वाले कुछ ही दिनों बाद यूथ कांग्रेस का चुनाव किया जाएगा, जिसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को और मजबूत बनाने की कवायद भी तेज कर दी गई है। इसी क्रम में जेडारो यूथ कांग्रेस इलेक्शन कमीशन दिल्ली से आई ठाकुर बिष्ट ने बताया कि अंबिकापुर थाने की मुख्य वजह यूथ कांग्रेस की इलेक्शन सिस्टम है। मुझे सरगुजा में इलेक्शन का आगाज हो चुका है, वहीं इलेक्शन के प्रोसेसिंग को आज से शुरू कर दिया गया है। 20 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक नॉमिनेशन का प्रोसेसिंग चलेगा, जिसमें युवा साथी असेंबली, डिस्ट्रिक्ट स्टेट जनरल सेक्रेटरी और स्टेट प्रेसिडेंट के लिए अपना नामांकन करेंगे। इसके बाद 2 मई को नॉमिनेशन का स्क्रूटनी किया जाएगा, जिसके बाद 5 मई को सभी नामों का फाइनलाइज किया जाएगा, जिसको लेकर अंबिकापुर के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता रखी गई। इसके साथ ही विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आबेद अख्तर की रिपोर्ट। ZRO यूथ कांग्रेस इलेक्शन कमीशन दिल्ली से आया हूं। अभी जो जिस संदर्भ में मैं यहाँ पर आया हूँ, उसका मेन मोटिव हमारे यूथ कांग्रेस का इलेक्शन सिस्टम। तो आपको ये जानकर खुशी होगी यूथ कांग्रेस के साथियों की कि हमने यहाँ पर इलेक्शन का आगाज़ कर दिया है। तो ये जो आपका जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है, वो आज से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अभी ये 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हमारा नॉमिनेशन का प्रोसेस रहेगा, जिसमें हमारे युवा साथी लोग असेंबली, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जनरल सेक्रेटरी और स्टेट प्रेसिडेंट के लिए अपना नामांकन करेंगे। तो इसके बाद 21 तारीख से लेकर के जो 30 तारीख है, इसके बीच में हमारे ऑब्जेक्शन का रहेगा और 2 मई को आपका स्क्रूटनी किया जाएगा इस नॉमिनेशन का और 5 मई को आपका फाइनलाइज किया जाएगा जितने भी आपके स्टेट असेंबली, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के लोग हैं, इनको हम फाइनलाइज करेंगे। इसके बाद जो हमारा अंतिम चरण होगा मेंबरशिप एंड वोटिंग, वो होगा आपका 12 मई से लेकर के 12 जून तक। इसमें जो हमारे युवा साथी लोग हैं पूरे छत्तीसगढ़ के, वो अपना वोट भी दे सकते हैं और मेंबरशिप भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि जो भी फीस है वो केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही लिया जाएगा। प्रति मेंबर 50 रुपये सबके लिए ये फिक्स कर दिया गया है। इसमें कोई भी आपका सब्सिडाइज रेट नहीं है, सभी साथियों को 50 रुपये देना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। तो ये जो हमारा जो नया सिस्टम, जो आपका इलेक्शन सिस्टम जो अभी हमने छत्तीसगढ़ में जो लॉन्च किया है, ये अभी हाल ही में हमने कोई 5-6 स्टेट हमारे देश के अंदर किए हैं ऑनलाइन सिस्टम से। तो ये प्रक्रिया उसी के आधार पर किया जा रहा है। तो मेरा साथियों से, युवा साथियों से, खास करके सरगुजा के वासियों से भी ये मेरी उम्मीद रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होकर के इस मेंबरशिप में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप करके हमारे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। धन्यवाद। कैंडिडेट का प्रक्रिया ऑनलाइन है जी।